देखिए, कोई भी आपका बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, वो अगर सर्विसेज बेस के ऊपर या क्लाइंट्स पे जो है वो उसका जो है वो कॉन्फिडेंस है, क्लाइंट्स की बेस के ऊपर जो है वो चलना चाह रही है और सर्वाइव करना चाह रही है एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं ये चीज बता दूं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए क्लाइंट बेस्ड कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो सर्वाइव नहीं करती। बहुत कम कंपनीज हैं कि जो कि क्लाइंट बेस्ड जो है वो चलती हैं और लॉन्ग टर्म जो है वो सर्वाइव करती हैं। अगर क्लाइंट जो मिलते हैं वो आपको एक चांस होता है, आपके पास एक चांस होता है कि आप उन क्लाइंट, जितनी देर क्लाइंट मिले उस दौरान जो है वो अपनी कंपनी की बेस को आप जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लें, और आपकी कंपनी की बेस उस वक्त स्ट्रॉन्ग होगी जिस वक्त आप क्लाइंट से जो है वो मूव करके प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे। कोई भी एक प्रोडक्ट उस दौरान में, उस टाइम पीरियड में आप जो है वो डेवलप कर लें और उसी की बेस के ऊपर आगे चलें, और जितनी भी इस वक्त आप देख लें कि जो वेल सेटल्ड या टॉप लेवल की कंपनीज हैं वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर है। बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं कि जो सर्विसेज बेस्ड जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो सर्वाइव कर रही है। एक चीज कि कभी भी जो है वो क्लाइंट के ऊपर जो है वो भरोसा या क्लाइंट बेस ना चले, बल्कि अपनी कोई ना कोई इस टाइम पीरियड में जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट डेवलप कर लें। मैंने ऐसे भी क्लाइंट्स देखे हैं जो 10-10 साल जो है वो कंपनीज के साथ चले, लेकिन एंड पे जिस वक्त वो क्लाइंट गए हैं और कंपनी दोबारा जीरो पे आ गई। तो इस चीज से बचने के लिए जो टाइम आपके पास हो, जितनी देर क्लाइंट हो, उस दौरान जो है वो आप अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट डेवलप कर लें।